शेन वॉटसन क्या कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान से कोचिंग के लिए तो इतना उन्होंने मुआवजा मांग लिया है कि फिर हम ना ही समझें। मतलब दिन के लिए हम अलग कोच रखे, फिर शाम के लिए हम अलग कोच रख ले, हम यही करते रहे। मैं तो कह रहा हूँ शिफ्टें लगवा लिया, वर्क लोड डिस्ट्रीब्यूशन 8-8 घंटे की शिफ्ट कर ले। अच्छा, अब आपने अगर बात करी भी है, कौन है ये सैनी, कौन है, मतलब क्या, मतलब कहाँ कोचिंग दी है शेन वॉटसन? आज तक फॉरेन कोच ने पाकिस्तान क्रिकेट को क्या दिया? बीच में छोड़ गए हमेशा, बीच में छोड़ के गए, बुरा लगता है मुझे अल्फाज इस्तेमाल के, गालियां दे के गए। इतना पैसा बटोरा है यहाँ से लाखों डॉलरों में, और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट को बुरा भला कह के गए, भला तो नहीं बुरा ही कह के गए। शेन वॉटसन ने बोला कि मुझे अगर रखना है तो 1.5 करोड़ में रख लो, वरना भाई फिर सर्वे हो जाओ। पीसीबी ने बोला हमारे पास 1.5 करोड़ नहीं है, हमारे पास 1.5 करोड़ होता तो हम अपने स्टेडियम में शादी वाली कुर्सियों की जगह के ऊपर दूसरी कुर्सियां ना लगवा लेते, हमारे पास 1.5 करोड़ होता तो हम यहाँ पाकिस्तानी स्टेडियम की छतें नहीं लगवा लेते। शेन वॉटसन ने दिखा दिया पाकिस्तान को उसकी औकात, पीसीबी को बता दिया कि बेटा तुम लोगों की ये औकात है, तुम्हारी जेब में पैसे है नहीं, मेरे साथ तुम अप्रोच करते हो। पीसीबी वालों ने बड़ी बूंगी हमारी, शेन वॉटसन को कोच रखेंगे आप, विम रिचर्ड को रखेंगे, डेरन सामी को रखेंगे, शेन वॉटसन ने पैसे बताए तो वो मोए मोए हो गया हमारे साथ। 1 करोड़ रुपए मांगे शेन वॉटसन ने, आपको लगता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन शराय पर भी राजी हो जाएगा? क्योंकि आप अपनी टर्म्स डिक्टेट कर रहे हो, पता है कि हमें हर सूरत में ही जो है वो इस तरह ये बात करते हैं कि गोरी चमड़ी ही चाहिए, फिर फॉरेन कोचेज अपनी टर्म्स एंड कंडीशन हमसे मनवाते हैं। आपने बीच में को देखा कि जो उन्होंने कहा वो हमने माना, मैं वर्चुअल कोचिंग करूंगा, मैं नहीं आऊंगा, मैं काउंटी की कोचिंग करता रहूंगा। अब शेन वॉटसन ने भी एक तो 1 करोड़ रुपए मांग लिए कोचिंग करने के लिए, सेकंडली वो कहते हैं कि अपनी फैमिली के साथ में ज्यादा वक्त गुजारूंगा, हो सकता है हम ये शरायत भी उनके मान जाए। मौका अगर हम देंगे तो ये तो आके हमारे ऊपर सर पर चढ़ के बैठेंगे। साथ वाले मुल्क से मिसाल ले लें आप, उन्होंने शुरू में लिए कुछ, उसके बाद नहीं। तो चैपल को लेकर उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा भाई? देखिए नहीं रहा, और उन्होंने शुरू में लेने के बाद उन्होंने देखा नहीं भाई हमारा प्लेयर हमको। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शेन वॉटसन से कोचिंग के लिए बात की और कहा कि आप हमारे खिलाड़ियों को कोच कर दीजिए, यानी कि आप हमारे खिलाड़ियों को बेहतर क्रिकेट खेलना और जीतना सिखा दीजिए, आपसे विनम्र निवेदन है। इसके बाद शेन वॉटसन ने कहा कि भैया सिखा दूंगा लेकिन 1 करोड़ रुपए लूंगा। अब ये सुन के बहुत सारे पाकिस्तानियों के पैर के नीचे से जमीन खिसक के और उनके बाजू में आके खड़ी हो गई। लेकिन पीसीबी को पता था कि यार शेन वॉटसन के बगैर तो हमारी जो जज्बे वाली कौम है जीतेगी नहीं। ऐसे में फिर पीसीबी ने सोचा कि चलो भाई कोई बात नहीं, बिस्तर जो कुछ भी हमारा बिकेगा वो बेच के हम शेन वॉटसन को 1 करोड़ रुपए देंगे। तब तक काल है, जैसे ही शेन वॉटसन ने कहा कि मैं 1 करोड़ रुपए चार्ज करूंगा, उसके साथ ही पीसीबी ने कह दिया कि चलो आपको दिए। उसके बाद शेन वॉटसन ने क्यों नहीं बन, पाकिस्तानी लोकल कोचेस क्यों नहीं होते खुर्रम, आप बताइए। उन लोगों का लेवल हाई, आप उनको उस लेवल की अप्रोच करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे? वो तो बोलते हैं पाकिस्तान के सर्व करने के लिए हम बैठे। आप क्या कहेंगे? वकार यूनुस भी रहे हैं माजी में कोच, कई पाकिस्तान का हो, मिसबा भी रहे हैं पाकिस्तान का हो, या कहीं वकार यूनुस है कोई कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, मिसबा कोई कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं, मिसबा हफीज कोई कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं, इवन बाहर का भी है, बाहर का भी है। जिस देखिए ये जो आके बैठ के बात करते हैं ना जी, हमने इतना अच्छा क्रिकेट खेली, हमें सब कुछ पता है, भाई दुनिया बदल चुकी है। आपकी क्रिकेट के साथ आपका कोचिंग कोर्सेज का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। आपके पास जो अपना एक्सपीरियंस शेन वॉटसन ने किया हुआ है कोचिंग कोर्स, शेन वॉटसन नहीं होना चाहिए उसको भी कोचिंग कोर्स, इसमें नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान टीम का हेड कोच नहीं होना चाहिए। बेटा ग्लेडिएटर के कोच शेन वॉटसन के हवाले से जिनके बारे में बड़ी बातें की जा रही है कि शेन वॉटसन जब मुमकिन तौर पर पाकिस्तान के अगले कोच साबित हो सकते हैं, क्योंकि डेरन सैमी ने माजरत कर ली है। अब मौसम बात करते हैं मौसम भाई, एक तो ये है कि हम जाते हैं फॉरेन कोचेस की तरफ, फिर फॉरेन कोचेस अपनी टर्म्स एंड कंडीशन हमसे मनवाते हैं। आपने पीछे मिकी को देखा कि जो उन्होंने कहा वो हमने माना, मैं वर्चुअल कोचिंग करूंगा, मैं नहीं आऊंगा, मैं काउंटी कोचिंग करता रहूंगा। अब शेन वॉटसन ने भी एक तो 1 करोड़ रुपए मांग लिए कोचिंग करने के लिए, सेकंडली वो कहते हैं कि अपनी फैमिली के साथ में ज्यादा वक्त गुजारूंगा, हो सकता है ये शरायत भी उनकी मान जाए। फैमिली के साथ ज्यादा वक्त गुजारूंगा जी, तो फिर टीम के लिए क्यों साइन कर रहे हैं? ये तो हमारे लोग उनको परसू कर रहे हैं, लेकिन गलती तो फिर हमारी हुई ना अली। अगर मैं इस जगह पे बैठना डिजर्व नहीं करता और मुझे यहाँ का प्रोड्यूसर बैठा दे तो गलती प्रोड्यूसर की हुई, मेरी नहीं हुई। मुझे तो मिल रहा है बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, मैं बैठ रहा हूँ आपके साथ, इनके साथ पूरे शो में, मैं तो बड़ा खुश होऊंगा, लेकिन मैं गलत बैठा हूँ यहाँ। ये देखना चाहिए जब भी मैं कहता हूँ, पहली मुझे एक बात का जवाब कोई दे दे, आप दे दें या कोई दे दे, एन दे दे मुझे, या कोई व्यूअरशिप हमारी कोई। आज तक फॉरेन कोच ने पाकिस्तान क्रिकेट को क्या दिया? बीच में छोड़ गए हमेशा, बीच में छोड़ के गए, बुरा लगता है मुझे अल्फाज इस्तेमाल के, गालियां दे के गए। इतना पैसा बटोरा है यहाँ से लाखों डॉलरों में, और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट को बुरा भला कह के गए, भला तो नहीं बुरा ही कह के गए कि ये है यहाँ पे ये गंद है वहां पे वो गंद है। जब उनको हटाया जाता है, जब ले लिया जाता है, बिल्कुल चुप होते हैं हम, उनको पता है हमें लाखों डॉलर्स मिल जाएंगे। तो ये हमें सोचना चाहिए। जब भी मैं कहता हूं कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है इतने पैसों की, मैं अपने प्लेयर को ले लूं अपने यहां से, मुझे हार नहीं है ना फॉरेन कोच के साथ। लेकिन इसका मतलब या तो मैं समझता हूं कि अपनी चीजें छुपानी होती हैं, इस वजह से फॉरेन कोच को ले लिया जाता है कि वो खामोशी से आगे काम करेगा, और कभी कभी तो टूर से वहीं से वापस चला जाता है। आपको बताया कोच जाता भी नहीं वापस, 99 के वर्ल्ड कप में पाइबस छोड़ गए थे, तो मुश्ताक मोहम्मद साहब पाइबस छोड़ गए थे। मैं जब उसके बाद जब मैं क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन बना था, तो जब ये कौन था उस वक्त कोच था, ये था व्हाटमोर व्हाट नहीं है, उसके बाद कौन आया था, रमिकी आया था, मैंने कहा बॉब बुलमर नहीं था सर, नहीं वो तो बहुत पहले था। तो
मैंने कहा इसकी तो मैं पूरी पूरी आके क्लास लूंगा कि क्या किया थी इससे टीम का असर। वो पता लगा वो टूर खत्म होते वहीं से घर चले गए कि मेरी कुछ फैमिली उनको पता चल गया कि यहाँ तो मैं इंतजार में बैठा हूँ। तो मैं पूछ रहा था अपने पाकिस्तान के लिए कि तुमने पाकिस्तान क्रिकेट को क्या दिया है पूरे टूर के ऊपर, फेलियर फेलियर फेलियर, उसके बाद यू कम आउट विद स्ट्यूपिड एंड चाइल्डिश एक्सक्यूजेस कि जी ये हो गया था, ये प्रॉब्लम हो गई थी, हवा यूं चल गई थी, खाने को यूं नहीं मिला था, सोने को यूं, बड़ी फूल्स तुम्हें। मैं तो कहता हूँ कि इनको मौका अगर हम देंगे तो ये तो आके हमारे ऊपर सर पे चढ़ के बैठेंगे। अब जबरदस्ती गोरी चमड़ी पर मत जाके मौसम हमारा खुद पिसी भी फजूल किस्म की पिसी भी जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना मजाक बनवाना पूरी वर्ल्ड क्रिकेट में, चाहे वो पीएसएल को ले लो, चाहे वो पाकिस्तान की क्रिकेट को ले लो। हमारी पीसीबी ने सिर्फ और सिर्फ हमारा छलकना और हमारा घंटा बजवाना है हर जगह के ऊपर, हमारा घंटा और छलकना बजवाना है पीसीबी ने हर जगह के ऊपर हमारा, क्योंकि इन्होंने ठान ली हुई है कि हम मीमर्स हैं, हम अपनी मीम्स खुद बनवाते हैं और हमारे पास खुदर किस्म की हरकतें हैं जिनसे हम लोग बाज नहीं आएंगे। असल मसला ये है, उसको देना तो मसला नहीं है। फिर टीम वाले भी कहेंगे भाई जो जान मारते हैं, जो आपको मैचेस जितवाते हैं, जो आपके हीरोज हैं, उनको आप 45-45 50-50 लाख पे महीने के टखा रहे हैं, और एक बंदा आएगा बाहर से आके चार दिन हमारे साथ काम करेगा, हमें दो चार बातें बताएगा, उसके बाद उड़न छू हो जाएगा और वो 1 करोड़ रुपया घर बैठे लेगा साथ में अपने बीवी बच्चों के साथ बैठ के। तो ये प्रॉब्लम है, ये पीसीबी बहुत सारी चीजें देखेगा उनको हायर करने से पहले। आई एम नॉट श्योर कि वो पीसीबी के साथ काम करना चाहते हैं। द बेसिक थिंग इज ही इज नॉट विलिंग टू वर्क विद पीसीबी और नोबडी विल बी विलिंग टू वर्क विद पीसीबी। जो बड़े जितने भी नाम है बहुत मुश्किल है अनटिल और अनलेस की कुछ स्टेबिलिटी आती है आपके क्रिकेट बोर्ड में और कुछ बेहतरी आती है, कुछ अरसा ये जो नए चेयरमैन है ये चलते हैं या इनको चलने दिया जाता है तो फिर कोई सोच सकता है। राइट नाउ आई थिंक इट्स वेरी टफ। वो डिमांड रखी कि मैं कोच करूं आपके खिलाड़ियों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ज्यादा समय जो है वो अपनी फैमिली के साथ बिताना पसंद करता हूं इन दिनों में, तो मैं बहुत सारा समय अपनी फैमिली के साथ बिताऊंगा। कहने का तात्पर्य ये है कि मैं दूर से डिस्टेंस से मैं आपके खिलाड़ियों को कोचिंग करूंगा या फिर ऑनलाइन कोचिंग जिसे हम कहते हैं। पीसीबी ने फिर भी कहा कि चलो कोई बात नहीं, आप हमें डिजिटल कोचिंग दे देना वो भी मंजूर है, 1 करोड़ रुपए भी लो, डिजिटल कोचिंग भी दे देना, 1-2 बार इधर चक्कर मार लेना बस। इसके बाद शेन वॉटसन ने कहा कि मैं सोच के बताऊंगा। अब आप सोच लो ये पीसीबी का लेवल आ चुका है कि इतने बड़े बड़े खिलाड़ी शेन वॉटसन जैसे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुंह नहीं लगना चाहते, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से सुरक्षित दूरी पे रहना चाहते हैं। तो इससे पता लग जाता है कि मुंह मांगी रकम मिल रही है शेन वॉटसन को, मुंह मांगी अपनी जो उनकी डिमांड है वो सारी डिमांड पीसीबी मानने को तैयार है। उसके बावजूद शेन वॉटसन अब कह रहे हैं कि मैं सोच के बताऊंगा। कहने का तात्पर्य ये है कि शेन वॉटसन अब या तो अपनी डिमांड बढ़ाएंगे या फिर अपनी रकम बढ़ाएंगे और उसके बाद बहुत सारी खिचड़ी पका के फिर पीसीबी को देंगे, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कम अमाउंट में चार्ज कर सके, क्योंकि पाकिस्तान का कोच जो भी आता है वो जल्दी से जल्दी भाग जाता है, वो अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाता बेचारा। ऐसे में शेन वॉटसन के पास मौका है और पीसीबी फंसा पड़ा है कि कैसे न कैसे इस जज्बे वाली कौम को जिताना तो पड़ेगा। तो ऐसे में शेन वॉटसन जितना चाहे चार्ज कर सकता है, जितना चाहे इनसे टर्म कंडीशन मना सकता है, लेकिन होगा वही जो हर फॉरेन कोच के साथ पाकिस्तान में हुआ है, वो गालियां देके जाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और जाते हैं। अगर आएंगे तो शेन वॉटसन कब जाएंगे और कौन कौन सी नई या पुरानी गालियां देकर जाएंगे ये वक्त बताएगा। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।